और पटना से खबर, जहां समस्तीपुर मामले में हाई लेवल जांच के आदेश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जांच के आदेश दिए हैं। सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए 50,000 रुपए की मांग की गई थी, तो पैसों के जुगाड़ के लिए मां बाप कर रहे थे भिक्षाटन। कशिश न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। तो पटना से खबर, जहां समस्तीपुर मामले में हाई लेवल जांच के आदेश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जांच के आदेश दिए हैं। सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए 50,000 रुपए मांग गए थे, पैसों के जुगाड़ के लिए मां बाप भिक्षाटन कर रहे थे। कशिश न्यूज ने प्रमुखता से यह खबर दिखाई थी। मरगूब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगूब, समस्तीपुर मामले में हाई लेवल जांच के आदेश दिए गए हैं, 50,000 पोस्टमार्टम के लिए मांग गए थे, और क्या यह पूरा मामला था और क्या कुछ अबेक्शन हो रहा है? देखिए निश्चित तौर पर कशिश न्यूज ने जो खबर चलाई थी, समस्तीपुर में एक माता पिता को अपने बेटे के पोस्टमार्टम के लिए वहां के कर्मियों के द्वारा 50,000 रुपया की मांग की गई थी और कहा गया था तब आपको सब मिलेंगे। अब समझिए हालात ऐसे हुए कि वो बेचारा बाप माँ सदर अस्पताल के बाहर विचारण कर रहा था। इसी दौरान मीडिया की नजर पड़ी, खबरें हम लोगों ने चलाई, उसके बाद हड़कंप मचा और वहाँ के सिविल सर्जन ने कहा कि मामले को देख रहे हैं। लेकिन हमने अभी बिहार विधान परिषद का जो नॉमिनेशन हुआ था उसमें मंगल पांडे आए थे, हमने मंगल पांडे जी को से बातचीत की और मंगल पांडे से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमने पूरे मामले में हाई लेवल जांच का दे दिया है और जो भी जांच के बाद रिपोर्ट आएगी उसके खिलाफ उसके बाद कठोर कार्रवाई होगी। खबर का असर हो गया है, हाई लेवल जांच का आदेश हो गया है और हाई लेवल जांच के बाद कहा गया है कि तत्काल रिपोर्ट देने के लिए, और मंगल पांडे जी ने स्पष्ट कहा कि जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि बड़ी खबर इसमें आ रही है, समस्तीपुर सदर अस्पताल में पैसे मांगे जाने और भिक्षाटन मामले में राज्य सरकार ने जांच का आदेश कर दिया है और हाई लेवल कमेटी पूरे मामले की जांच करेगी। जी चलिए मरगूब बने रहिए, वो प्रतिक्रिया भी सुना देते हैं दर्शकों को। समस्तीपुर के सिविल सर्जन को हमने विस्तृत जांच करने का आदेश दिया, उसके बाद कार्रवाई होगी। कार्रवाई स्वाभाविक है कि जांच का जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर कार्रवाई। समस्तीपुर के सिविल सर्जन को हमने विस्तृत जांच करने का आदेश दिया, उसके बाद कार्रवाई होगी। कार्रवाई स्वाभाविक है कि जांच का जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर कार्रवाई होगी। चलिए तो मरगूब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगूब, उन्होंने कहा कि कार्रवाई की जाएगी और सिविल सर्जन को जांच के आदेश भी दिए गए हैं, तो साहिब से बात है कि सरकार ने बड़ी पहल की है। देखिए निश्चित तौर पर मंगल पांडे का इस पर ध्यान आना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये जानकारी होनी चाहिए कि स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है या नहीं है। लेकिन इससे भी बड़ा यह कड़ा बयान तो प्रदेश अध्यक्ष का गया है जो सांसद है बीजेपी के, उन्होंने कहा कि जिन्होंने ये कृत किया है, जैसे वार्ड का प्रयोग देखे कृत किया है, किसी भी हालत में उनको बख्शा नहीं जाएगा। और मैं स्वास्थ्य मंत्री से अपील करता हूँ कि स्वास्थ्य मंत्री उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई का आदेश दे। तो निश्चित तौर पर मंगल पांडे जी से ज्यादा कह सकते हैं कि कड़ी प्रतिक्रिया प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के गया। देखिए संजय जायसवाल इन सब चीजों के लिए जाने भी जाते हैं, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ किसी भी घटना पर उनकी प्रतिक्रिया बहुत ही जग जाहिर होती है, उन्होंने इसी तरह का प्रतिक्रिया दिया है। फिलहाल देखना होगा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई क्या होती है। राहुल चलिए शुक्रिया मरगूब तमाम जानकारी के लिए।